नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इंग्लिश विद मुकेश सर में। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी लंबे समय के बाद से मैं अपने चैनल इंग्लिश विद मुकेश सर पर आया हूँ। इसमें कुछ ऐसी बात हो गई थी कि मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम वादा किया था वादा निभाएंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको इंग्लिश सिखाएंगे। तो आइए अपनी इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं कि टेंसेस की एडिटिंग कैसे होती है, किस प्रकार से वर्ब की फॉर्म गलत लिखी जाती है और हमें उसे करेक्ट करना पड़ता है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उसमें ग्रामर पूछी जाती है गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल एक्सरसाइज है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग ऑफ टेंसेस। अब आप देखिए, थॉमस एडिसन इज एन अमेरिकन साइंटिस्ट, ही हैव मेड मैनी इन्वेंशंस, वंस ही वॉज वर्क ऑन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ही वुड श्योर दैट हिज बल्ब इज रिप्लेस गैस लाइट्स, ही वॉन्ट टू गिव द पीपल ए सेफ गिफ्ट। इस तरह का आपको एग्जाम के अंदर एक पैराग्राफ दिया मिलेगा और हर लाइन में एक मिस्टेक होगी, एक स्पेलिंग गलत हो सकती है, या टेंस की मिस्टेक हो सकती है, या मोडल्स की, या आर्टिकल्स की, या प्रीपोजिशन, और भी ऐसे ऐसे मिस्टेक हो सकती हैं। हमने उस मिस्टेक को चुनना है और उसकी जगह पर सही क्या आएगा वो बताना है। तो आज हम अपने इस वीडियो में टेंसेस के बारे में बात करते हैं कि कहाँ किस लाइन में गलती है टेंस की और वहां पर क्या आना चाहिए सही टेंस। देखो, थॉमस एडिसन इज एन अमेरिकन साइंटिस्ट, तो सोचिए आप कि क्या गलती हो सकती है इसके अंदर। पढ़िए आप लाइन को, थॉमस एडिसन इज एन अमेरिकन साइंटिस्ट, तो आपका ध्यान गया होगा मिस्टेक यहां है, इज नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी वो जीवित नहीं है, वो अब स्वर्ग जा चुके हैं, तो ये इज यहां गलत है। और गलत को हम कहां लिखेंगे, यहां इनकरेक्ट के नीचे, यहां पर ये सभी इनकरेक्ट आएंगे, यहां से भी करेक्ट आएंगे, तो इज गलत है। तो यहां पर क्या आ जाना चाहिए था, वॉज, क्या आ जाना चाहिए, वॉज, क्योंकि वो पास्ट का हिस्सा बन चुके हैं थॉमस एडिसन, वो अभी इज नहीं है, वो वॉज हो चुके हैं, वो भूतकाल हो चुके हैं। ही हैव मेड मैनी इन्वेंशंस, इस लाइन में आपको क्या गलती लगी, देखिए हैव भी प्रेजेंट की फॉर्म है, हैज और हैव ये प्रेजेंट टेंस को दिखाते हैं, तो इसको भी हमने पास्ट बनाना है, तो हैव यहां पर गलत है, वैसे भी ही के साथ हैज आता है, लेकिन हैज यहां नहीं आ सकता क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं, पास्ट की बात चल रही है, तो यहां पर हैव गलत है। और क्या आना चाहिए था, हैड, क्या आना चाहिए, हैड। अब यहां देखो लाइन नंबर 3, वंस ही वॉज वर्क ऑन मेकिंग एन, ही वॉज वर्क, ये क्या हुआ, ये तो यही पे पता चल गया कि गलत टेंस है, वॉज वर्क ये पैसिव वॉइस थोड़ा ना है, तो वॉज वर्क तो कहीं लगेगा भी नहीं, कहीं आपने देखा भी नहीं होगा, तो यहां पर वॉज वर्क ये गलत है, ये क्या गलत है, वॉज वर्क ये गलत है, आना क्या चाहिए, वॉज वर्किंग, वो काम कर रहा था, वॉज वर्किंग, वॉज वर्किंग, वॉज वर्किंग आना चाहिए, ये गलत है, काम कर रहा था किस पे, इलेक्ट्रिक बल्ब पे, बिजली का बल्ब उसे बना था, तो मैं सही से आपको पता होना चाहिए, ही वुड श्योर दैट, अब यहां भी एक मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है सोचिए, वुड गलत है प्यारे मित्रों, प्रिय स्टूडेंट्स, वुड गलत है, क्या आएगा, वॉज, ही वॉज श्योर, तो ये वुड गलत है, यहां पर क्या आ गया, यहां पर वॉज, ही वॉज श्योर, उसको विश्वास था, हिज बल्ब इज रिप्लेस गैस लाइट्स, अब भी यहां पर गलती है, सोचिए क्या गलती है, गलती इज की है, वर्तमान आ गया, इज तो वर्तमान में होता है ना, यहां पे अब क्या आ जाएगा, वुड, अब यो ये वुड है, ये वुड ये यहां फिट होगा, ही वॉज श्योर दैट, उसे विश्वास था कि हिज बल्ब वुड रिप्लेस, रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा, गैस की जगह ले लेगा, तो यहां पर आ गया वुड, इज गलत है, क्या आ गया यहां पर, वुड,
would replace gas light. He want to give the people a safe gift. ये तो बिल्कुल क्लियर कट मिस्टेक है. He want, he के साथ तो want आ नहीं सकता, या तो wants लगाओ. Wants लग गया तो present indefinite हो गया. प्रेजेंट में वो है नहीं बंदा, वो तो ऊपर स्वर्गवास हो चुका उसका, तो यहाँ पर आ गया wanted. तो want गलत है. क्या गलत है यहाँ पर? want. क्या आना चाहिए था? wanted. क्या आना चाहिए था? wanted. तो देखो ये गलती है सारी, और इधर ये करेक्शन है, ये आने चाहिए थे, ये मिस्टेक है. इस तरह की आप जो है एक्सरसाइज प्रैक्टिस करिए इनकी, और आपको जो है किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में फायदा मिलेगा, एग्जाम से फायदा मिलेगा. तो डीए स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों, मेरे चैनल इंग्लिश विद मुकेश सर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए. अब डेली आपको वीडियो मिलेंगी मेरी, काफ़ी गैप हो गया तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ तहे दिल से, और आपको शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि अब मेरी वीडियो आपको डेली मिलेंगी, वीक में 3 जरूर मिलेंगी. सभी वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. सो थैंक यू वेरी मच. गुड आफ्टरनून एवरीवन. हैव ए नाइस डे.